हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम आनंद और आप लोगों का स्टार गेमर्स में बहुत ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे रेजिडेंट एविल 4 गेम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, ये वाला गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इसका ग्राफिक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे डाउनलोड कैसे करेंगे। गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र पर चले जाना है, जो सा भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो। और गाइस, मैंने एक लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आपको उस वाले लिंक पर चले जाना है। गाइस, आपको कुछ इस तरीके का वेब पेज खुल जाएगा, उसके बाद गाइस ये दिखाएगा RE4L, मतलब रेजिडेंट एविल 4। सो गाइस, आपके इसके नीचे देख सकते हैं डाउनलोड का बटन है, आपको जब इस पर दबाइए तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। गाइस, और आप साइज भी देख सकते हैं, सिर्फ 25.37 MB की जिप फाइल है ये। गाइस, जब आपका ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है। गाइस, एक बार आपको दोबारा अपने ब्राउज़र जोन सा भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो उस पर दोबारा चले जाइए एक बार। और गाइस, ये एक और लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ये वाली लिंक भी, उस पर जाना है। उसके बाद इसे ओपन करना है। गाइस, फिर एक बार ये द्वारा मीडिया फायर का वेब पेज खुल जाएगा। गाइस, और आप देख सकते हैं द्वारा लिखा रहे RE4L। गाइस, ये वाली एक एप्लीकेशन जो पिछली वाली थी वो उसकी डाटा फाइल थी, वाली एप्लीकेशन है जो सिर्फ 1 MB में। गाइस, आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिए। जब गाइस आप इसे भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको क्या करना है, एक प्ले स्टोर पर जाना है और गाइस आपको एक छोटा सा ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है गाइस ZArchiver। जी, हमें किसी भी फाइल को एक्सट्रैक्ट और कंप्रेस करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। गाइस, गाइस वाला ऐप है, ये वाला आप देख सकते हैं। सो गाइस, जब आपका ये डाउनलोड हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको इस वाले ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको देखना है कि आपका डाउनलोड हो किधर जाता है। मैं यूसी ब्राउज़र से डालता तो मेरा यूसी डाउनलोड्स में जाता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं इधर ये दो हमारी, एक APK है जो 1 MB में और एक .zip फाइल है जो वो है 25.37 MB की। सो गाइस, जो .zip फाइल है आपको इस पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्ट हेयर का बटन आ रहेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप जब करेंगे तो गाइस आपका ये कुछ फोल्डर बन जाएगा इधर, ये अलग है। सो गाइस, आपको इस क्या करना है, अब इसे आपको दबाए रखना है, नहीं आपको इस एक बार इस पर आपको फिर क्या करना है, इस पर दबाए रखना है। उसके बाद गाइस आप कट का ऑप्शन देख सकते हैं, आपको कट पे दबा देना है और आपको डिवाइस मेमोरी पे एंड्रॉयड डाटा पे इसे पेस्ट कर देना है। गाइस, जाके जब गाइस आपका ये पेस्ट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं। गाइस, ये देखिए, ये आ गया, ये इसके साथ में ऐसी कुछ पिक्चर नहीं बनी हुई उसके फोल्डर के अंदर, वो अभी आ जाएगी जब हम इसका APK को डाउन इंस्टॉल कर लेंगे। अब गाइस आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। जब आपका इंस्टॉल हो जाए तो आपको डन दबाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसे डिवाइस मेमोरी पे जाके कि ये आप इसे मतलब देख सकते हैं कि ये सही से हुआ है डाउनलोड या नहीं हुआ। देख सकते हैं गाइस, पहले आप देख सकते हैं इधर, देख सकते हैं आप गाइस ये पिक्चर जो आ चुकी है इस फोल्डर के अंदर, ये पहले नहीं थी गाइस क्योंकि अब हमने APK इंस्टॉल कर लिया, तो मतलब आप हमारी बस पूरी गेम हो चुकी है इंस्टॉल्ड। अब बस हमें इसे प्ले करना है, हमारी गेम ये रही। अब मैं आपको सही इसका छोटा सा एक गेम प्ले दिखा देता हूँ। देख सकते हैं गाइस, हमारा गेम चल गया है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम है गाइस, इसके ग्राफिक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। देख सकते हैं हमारा गेम लोड हो रहा है गाइस। और गाइस आप देख सकते हैं हमारा गेम चल चुका है।
गाइस आप इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम है। चलिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में गाइस, और गाइस प्लीज़ इसे सब्सक्राइब लाइक और शेयर करिएगा गाइस। जय माता दी।